x and y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of minus 6 minus 24 iota. ठीक है, तो जो हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर आयोटा, और कहा जा रहा है कि ये जो दिया हुआ है ये इसका कॉन्जुगेट है. अब आइडियली इसका कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए, माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट निकालते समय हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी टर्म है उसका खाली साइन चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये जो दिया हुआ है x माइनस आयोटा y इंटू थ्री प्लस फाइव आयोटा, दिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी कि माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर आयोटा. इसका मतलब x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर आयोटा डिवाइडेड बाई थ्री प्लस फाइव आयोटा. ठीक है ना, तो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिख देते हैं, तब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक्स को इक्वेट कर सकते हैं, वाईज को इक्वेट कर सकते हैं, है ना, मतलब रियल टर्म्स को इक्वेट कर सकते हैं, फिर इमेजिनरी टर्म्स को इक्वेट कर सकते हैं. और ऐसा करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो डिनोमिनेटर में आयोटा वाला टर्म है उससे छुटकारा पाना होगा. एग्जैक्टली, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री माइनस फाइव आयोटा से, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर आयोटा इंटू थ्री माइनस फाइव आयोटा, और नीचे मिलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब आयोटा स्क्वायर भी रहेगा, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है ना, अब ऊपर का कैलकुलेशन करते हैं, माइनस सिक्स इंटू थ्री हो जाएगा माइनस एटीन, उसके बाद हो जाएगा माइनस सिक्स इंटू माइनस फाइव आई, ये हो जाएगा थर्टी आई या आयोटा, प्लस ट्वेंटी फोर आयोटा इंटू थ्री, ये हो जाएगा प्लस सेवेंटी टू आयोटा, प्लस ट्वेंटी फोर आयोटा माइनस फाइव आयोटा, ये हो जाएगा प्लस वन ट्वेंटी, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाई थ्री थ्री जो नाइन प्लस फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव, तो ये हो जाएगा थर्टी फोर. आगे की कैलकुलेशन इस तरफ करते हैं, तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 102 आयोटा प्लस 102 डिवाइडेड बाय 34. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 102 बाय 34 प्लस 102 बाय 34 आयोटा. अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो 34 इंटू थ्री होता है 102, यहाँ पर भी वही, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 आयोटा. अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में थ्रू आउट क्या था, x माइनस आयोटा वाई, तो वो भी लिख लेते हैं हम, x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा. तो अब रियल टर्म्स को इक्वेट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3, और अगर इमेजिनरी टर्म के कोफिशियंट को इक्वेट करें तो हम कह सकते हैं कि माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू माइनस 3.